हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने टैली आरपी 9 के अगले वीडियो में ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो उसमें मैंने आप लोगों को जो है अकाउंट्स के बारे में बताया था, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं और उसके साथ ही साथ मैंने अकाउंट के पहले टाइप यानी कि पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया था। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, कैसे उसके रूल्स होते हैं, किस तरह से हमारे रूल्स को हमारे जनरल ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेट करने होते हैं, ये सारा कुछ आज फ्रेंड्स हम इसी वीडियो में अपने इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के आगे चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब जो हम आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो अकाउंट्स का दूसरा पार्ट मतलब रियल अकाउंट के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में अकाउंट्स के तीनों टाइप के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले था आपका पर्सनल अकाउंट, सेकेंड था आपका रियल अकाउंट और थर्ड था आपका नॉमिनल अकाउंट्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, बेसिकली पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आपका पर्सन से बिलोंग करता है, ठीक है। पर्सन जिसका अपना अकाउंट हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट का हो या फिर आपका जैसे कि किसी ग्रुप का हो या किसी इंडिविजुअल का, मतलब किसी एक भी व्यक्ति विशेष का जो उसका अपना कहलाए वो पर्सनल अकाउंट है। इसका रूल भी आपको याद होगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल था। और साथ ही साथ मैंने आपको एग्जांपल्स के भी बताए थे कि जो आपके पर्सनल अकाउंट के जो एग्जांपल्स होते हैं वो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट्स होते हैं, क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, बैंक्स, इस तरह के बहुत सारे हमारे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ये तो बात थी फ्रेंड्स हमारे पर्सनल अकाउंट की। आज हम बात करेंगे अपने रियल अकाउंट के बारे में। फ्रेंड्स आज हम अपने रियल अकाउंट के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे इसके नेम पे ध्यान दें तो रियल का मतलब होता है जो कि वास्तविक हो, यानी कि हम यहाँ पे उस अकाउंट की बात करेंगे जो कि वास्तविक खाता हो। ओके फ्रेंड्स, वास्तविक खाता वो जिसमें सब कुछ रियल हो यानी कि वास्तविक हो, जैसे कि जो भी कुछ है उसे हम देख भी सकें, महसूस भी कर सकें, उसे फील भी कर सकें, उसकी काउंटिंग भी कर सकें, उसे उठा भी सकें, उसे रख भी सकें, ठीक है। मतलब जो हर तरीके से रियल कहलाए वही हमारा रियल अकाउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर रियल अकाउंट की हम बात करते हैं तो जो हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का जो जो अगर हम बात करते हैं तो रियल अकाउंट में जैसे हम जैसे टच कर सकें, अगर आपके सामने कोई ऐसा एग्जांपल दिया जाए तो क्या आप समझ पाएंगे क्या रियल है। जैसे कहा जाए फ्रेंड्स टेबल, तो टेबल आपका रियल है या नहीं, तो फ्रेंड्स अगर ध्यान दिया जाए इस बात पे तो टेबल आपका रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि टेबल हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में रखा हुआ है, उसे हम छू भी सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा मन करे तो हम उसको तोड़ भी सकते हैं अगर गुस्सा आया तो, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे या हमें गुस्सा नहीं दिखाना टेबल के ऊपर। ये तो एक एग्जांपल था। जो टेबल है वो हम उसे खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने एक छोटा सा ऐसे जोक मारा कि हाँ उसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं तोड़ने जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती क्योंकि बहुत गलत बात है, खैर ये तो बात की बात होगी। हाँ तो फ्रेंड्स ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रियल अकाउंट है, रियल का मतलब हुआ जो चीज हमारे सामने वास्तविक रूप में हो और जिसका हम पूरी तरह से मूल्यांकन कर सकें वही हमारा रियल अकाउंट कहलाता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट का डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल की। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम रियल में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले हमारे एसेट्स हो सकते हैं, ये एसेट्स आपके करंट और फिक्स्ड,
दोनों ही टाइप के अकाउंट्स होते हैं आपके, दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर बाइक हो गई, ठीक है, लैंड हो गई, बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो गई, परचेज हो गया आपका, सेल्स हो गया, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे हमारे इस रियल अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आपको देख के समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रियल अकाउंट है वो एक्चुअल में क्या है, इन एग्जाम्पल्स को देखकर। फ्रेंड्स, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने शेयर से ये देख के ये मत समझिए कि बस इतने ही एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो जैसे पर्सनल अकाउंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वैसे ही हमारे रियल अकाउंट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया कि हाँ हमारा रियल अकाउंट क्या क्या हो सकता है। तो इन एग्जाम्पल्स को देख के फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट वो जो हमारा वास्तविक खाता है, जिसे हम पूरी तरह से यानी कि वर्चुअली हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और साथ ही उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई हमारे रियल अकाउंट की। आइए चलते हैं अब रियल अकाउंट के रूल के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई हमारे रियल अकाउंट की, उसके एग्जांपल्स की। तो डेफिनेशन और एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये टैली का जो कॉन्सेप्ट है, मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोग को पूरे डिटेल के साथ बताऊंगी, जिससे कि आप लोग को जो है टैली ERP 9 बहुत ही अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स, एक बात और, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जो है सेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं आप लोग को प्रैक्टिकल के ओर नहीं लेके जा रही, सिर्फ थियोरिटिकली ही बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका रीजन समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है ये हमारे का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने की वजह से हमें इसकी थोड़ी सी बेस अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, और अकाउंट्स की नॉलेज के लिए हमें सबसे पहले थ्योरी सेक्शन पे ध्यान देना होगा। इसी वजह से फ्रेंड्स अभी मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को लेकर ही डिस्कशन कर रही हूँ अपने हर एक वीडियो में, मैं अकाउंट्स के बारे में बता रही, ताकि आप लोग को ये जो अकाउंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, क्या है कि अगर आप लोग दूसरी जगह अगर आप देखते हो, पढ़ते हो, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे या बहुत जगह से आप अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे डायरेक्टली वो लोग सीधा आप लोग को टैली ERP 9 पे लेके जाते हैं, यानी सीधा आपको सिस्टम पे लेके जाते हैं। सिस्टम पे फ्रेंड्स ला तो दिया उन्होंने, एक ही चीज़ बताई, लेकिन फ्रेंड्स आप उनको कितना देख देख के आप अपने खुद के काम करोगे? आप तो अपने काम अपने तरीके से करने हैं ना टैली पे, टैली पे आपको अपने काम खुद हैंडल करना। तो इसके लिए पहले हमें बेस समझना होगा, और जब तक हम बेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम जो है टैली ERP 9 के एप्लीकेशन पे जाएं और सीधा उससे हम काम करना शुरू कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आप लोगों को क्लियर हो गया, उसके बाद तो फ्रेंड्स आपका अगर टैली की बात करें तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, और उसमें आपको से ज़्यादातर काम आपको टैली ERP 9 पे ही वर्क करना है। इसी वजह से फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस के साथ मेरे हर एक वीडियोस को पूरी तरह पूरा एंड तक देखना होगा, जिससे कि आप लोग को जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है एक एक चीज़ बारीकी से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि मैं अपने एक एक वीडियो में मैं आप लोगों को कितनी ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ, ताकि आप लोग का ये जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रियल अकाउंट का मीनिंग और रियल अकाउंट का एग्जाम्पल, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं रियल अकाउंट के रूल के बारे में। अब रूल क्या होता है आइए देखते हैं। अगर हम रूल की बात करें तो जो फ्रेंड्स हमारा रियल अकाउंट का रूल है वो कहता क्या है, व्हाट कम्स इन, वॉट कम्स इन डेबिट
एंड वॉट गोज आउट फिल्ड. तो फ्रेंड्स आप इसे हमारा रूम को देख के समझ सकते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं हमारा जो रियल अकाउंट है उसका रूल क्या कहता है. हमारा जो रूल है वो कहता क्या है, क्या हमारे पास आया वो डेबिट हुआ और क्या हमारे पास से गया वो क्रेडिट हो गया. ठीक है फ्रेंड्स. अब यहाँ पे फ्रेंड्स इस एग्जांपल अगर इस रूल की बात करते हैं यहाँ पे अगर कुछ इंक्लूड हुआ है तो वो है आपका ये व्हाट. लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इस हमारे पिछले वीडियो को अगर ध्यान दें याद करें तो मैंने पिछले वीडियो में जो पर्सनल अकाउंट का रूल बताया था उसमें मैंने फ्रेंड्स आप लोग क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. यानी कि ये जो हमारा रियल अकाउंट का रूल है इस रूल में भी कुछ ना कुछ आपको सिमिलैरिटी हमारे पर्सनल अकाउंट के साथ डेफिनेटली मिलेगा. सिमिलैरिटी अगर ध्यान दे फोकस करने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि हमारा जो डेबिट है डेबिट का मतलब ही हुआ प्राप्त करना. यानी कि हम जो भी कुछ पा रहे हैं जो भी कुछ हमारे पास आ रहा है वही हमारे लिए डेबिट हो गया. बस हमें हर एक रूल में उसको अलग अलग तरीके से जानना होता है. ठीक है. और उसे उन्हीं रूल्स को हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर सेट करना होता है उनके नेचर को समझ के. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये तो बात हो गई हमारे रियल अकाउंट की रूल की. रियल अकाउंट का रूल कहता क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट आर क्रेडिट. मतलब क्या हमारे पास आया वो डेबिट हो गया, क्या हमारे पास से गया वो क्रेडिट हो गया. अब एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास जो है मैं एक कंप्यूटर खरीद के ले आई, यानी कि मेरे पास एक कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मेरे लिए, डेबिट या क्रेडिट. फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये डेबिट हुआ क्योंकि यहाँ पे बात मैं अपनी कर रही हूँ. मैं क्या लेकर आई हूँ, कंप्यूटर के लेकर आई. कंप्यूटर लेकर आई हूँ इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मेरे पास कंप्यूटर आया, मैंने कंप्यूटर को प्राप्त किया है. दैट मीन्स फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे जो पहला रूल है वो एकदम परफेक्टली फिट होता है. यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या हुआ हमारे लिए डेबिट हो गया. और बदले में हमने कंप्यूटर के बदले में जो दुकानदार को क्या दिया, कैश दिया यानी कि पैसे दिए. तो यहाँ पे जो हमारा कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. व्हाट गोज आउट में मतलब हमारे पास से जो गया हमारे पास से क्या गया फ्रेंड्स, कैश गया. कैश गया इसका मतलब व्हाट गोज आउट जो हमारे पास से गया, इट मीन्स दैट हम क्रेडिट हुए. किस चीज के लिए क्रेडिट हुए, कैश के लिए. कंप्यूटर के लिए हम डेबिट हुए हैं और कैश के लिए हम क्रेडिट हुए. तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो है रूल. आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब फ्रेंड्स अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल क्वेश्चंस के साथ समझते हैं. आइए देखते हैं. अगर हम एग्जांपल क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देती हूँ. परचेज लैपटॉप ऑफ रुपीज 50,000 बाय कैश. ओके या सिंपली हम कह सकते हैं परचेज लैपटॉप of rupees 50,000 by cash. हमने ये कहा कि हम जो है 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीद के ले आए हैं. इसका मतलब फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या आया और क्या गया. ये जो एंट्री है फ्रेंड्स हमारे एंट्री बुक में है, यानी कि हम परचेज कर रहे हैं यानी हम खरीद रहे हैं. जब अपनी बात करते हैं तो इसका मतलब हम खरीद रहे हैं, हमें बेचने की बात नहीं की, खरीदने की बात की. परचेज का मतलब होता है खरीदना. ओके फ्रेंड्स. अभी वहां पर हमने क्या कहा कि हमने 50,000 रुपए का लैपटॉप जो है खरीदा है, क्या देकर, कैश देकर के. कितने हजार, 50,000. यानी कि फ्रेंड्स हमारे पास क्या आया, लैपटॉप आया और हमारे पास से ये लैपटॉप के बदले में क्या गया, कैश गया. तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को परचेज जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के अकाउंट्स के स्टार्टिंग ही उसके जो पर्सनल अकाउंट के रूल के साथ मैंने स्टार्टिंग किया था. तो जर्नल एंट्री कैसे बनानी है ये मैंने आपको बताया. सबसे पहले जो आपका टास्क होगा डेबिट और क्रेडिट का,
आप डेबिट और क्रेडिट को अपने राइट पोजीशन में लिख लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेबिट लिखा, डेबिट जो कि हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आता है और क्रेडिट जो कि हमेशा थोड़ा सा राइट साइड में आता है। ओके, अब इसके सामने जो हमारे ये अमाउंट है, इस अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इन दोनों के सामने हमने यहाँ पर अमाउंट को मेंशन कर लिया, यानी हमने 50-50 हज़ार दोनों जगह लिख लिया। क्योंकि फ्रेंड जितना जाएगा उतने का ही तो आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बीच में एक दो रुपए या कुछ रुपए वहां पे हेर फेर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा डेबिट क्रेडिट हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जैसा कि हमारा जो रियल अकाउंट का रूल कहता क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट आर क्रेडिट। अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा है, परचेज लैपटॉप ऑफ रुपीज 50,000 बाय कैश, यानी कि हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं और वो भी कैश के द्वारा, मतलब 50,000 रुपए कैश के द्वारा। मतलब हमारे पास लैपटॉप क्या हुआ, आया। क्या आया हमारे पास, लैपटॉप आया। लैपटॉप आया इसका मतलब लैपटॉप क्या हो रहा है आपके लिए, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लैपटॉप को मेंशन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कहता क्या है, किसके बदले, कैश के बदले, यानी कैश के द्वारा हमने लैपटॉप खरीदा है। तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो रियल अकाउंट का दूसरा रूल है वो कहता क्या, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमारा क्या जा रहा है बदले में, कैश आ रहा है। तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। लैपटॉप क्या हो गया, डेबिट हो गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी इजीली आप, मैंने यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन क्रिएट कर दी, किस तरह से आपके एंट्री बुक में चढ़ेगी, यहाँ मैंने आपका बना दिया। आपका जो लैपटॉप है वो डेबिट हो गया और जो आपका कैश है वो क्रिएट हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अपने जर्नल एंट्रीज को क्रिएट करते हैं। अक्सर फ्रेंड्स जर्नल एंट्री क्रिएट करने में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कैसे हमारे जर्नल एंट्री पे वर्क करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई आपके रियल अकाउंट के एग्जाम्पल क्वेश्चन की, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे से और साफ साफ क्लियर करके बताया है कि क्या हमारा डेबिट हो रहा है और क्या हमारा क्रेडिट हो रहा है। और ये कुछ एकदम हमने ठीक इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे फिट किया। एक बात और यहाँ पे गौर करने वाली फ्रेंड्स बात है फ्रेंड्स, और वो ये कि यहाँ पे जैसा कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था इसमें मैंने आप लोगों से कहा परचेज लैपटॉप, यानी हमने लैपटॉप खरीदने की बात की। अब फ्रेंड्स अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपके किसी पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम ना दिया जाए तब क्या करेंगे। सपोज दैट अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने यहाँ से लैपटॉप को हटा दिया तब क्या होगा, लैपटॉप हटा दिया और इसकी जगह मैंने मेंशन कर दिया परचेज गुड्स, मतलब सामान। हमें पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट क्या है, लेकिन हमको पता है कि हम कुछ माल खरीद के लाए। गुड्स का मतलब होता है सामान या फिर माल, बिजनेस भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम परचेज गुड्स लिखेंगे तब हम जो है जो एंट्री बनाएंगे वो कैसे एंट्री बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर आप यहाँ पे गुड्स का नाम जैसे क्या है मेंशन नहीं है, यानी गुड्स के बारे में नहीं बताएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो। तो सिंपली आप लोग क्या करो, अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे गुड्स उतार दोगे, गुड्स तो आप लिख नहीं सकते हो। तब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लैपटॉप की जगह पर क्या यूज करते हैं, परचेज को यूज करेंगे। कारण ये है फ्रेंड्स क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमने क्या पर मतलब कौन सा माल, माल का नाम नहीं पता, बस इतना कह दिया कि परचेज गुड्स। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में फ्रेंड्स हम गुड्स ना लिख करके हम सिंपली यहाँ पे परचेज को मेंशन करें, अपनी जो जर्नल एंट्री है उसमें हम परचेज को मेंशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है और जो कैश है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जब हमारा नाम बदल गया तो बहुत लोगों के सिर्फ ध्यान नहीं देंगे कि हमने यहाँ पर नाम बदला तो हमने पोजिशन नहीं चेंज की, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये था फ्रेंड्स क्योंकि हमारे रूल क्या कहते हैं, क्या आया वो डेबिट हुआ, क्या गया वो क्रेडिट हो गया। और हम परचेज करें यानी कि हम गुड्स परचेज करके ला रहे हैं यानी कि माल हमारे पास आ रहा है, दैट मीन्स की परचेज हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
एक बात और फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हम जर्नल ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है फ्रेंड्स, जो हमारा परचेज होता है और सेल होता है, इनके बीच में एक बहुत ही कॉमन सा वेरिएशन यानी कि डिफरेंस होता है। अब जो परचेज होता है, परचेज हम सामान खरीद के लाते हैं और सेल में हम सामान जो है बेचते हैं, और जब जब दोनों बातें के अगर ध्यान दें तो खरीदने में हमारे पास सामान आता है और बेचने में हमारे पास सामान जाता है। ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स इन दोनों का पोजीशन चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर इसी परचेज की जगह सेल अगर हो क्वेश्चन में, तो वो क्या करते हैं सेल को भी डेबिट कर देते हैं या परचेज को क्या करते हैं क्रेडिट कर देते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे ये रियल अकाउंट का एग्जांपल है परचेज और सेल। जब परचेज सेल अगर आपका रियल अकाउंट का है तो रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना है। रूल हमारा क्या कहता है, क्या आया वो डेबिट, क्या गया वो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे परचेज हमेशा क्या होता है, हम परचेज के रूप में प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, और सेल के रूप में हमारे पास से कुछ ना कुछ जाता है। यही कारण है कि फ्रेंड्स परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स इस बात को, जब भी आपका परचेज और सेल का क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो परचेज हमेशा आपके लिए क्या होगा डेबिट होगा, और सेल हमेशा आपके लिए क्रेडिट होगा। मतलब सेल को हमेशा जो है क्रेडिट साइड लिखेंगे और परचेज को हमेशा हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स परचेज की और सेल की, जो कि दोनों हमारे क्या है रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं। और रियल अकाउंट की जब बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो रूल को फॉलो करना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। रूल को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आप लोग का ट्रांजैक्शन पूरा गड़बड़ हो जाए। और रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारी जर्नल एंट्री है यानी जो हमारा ट्रांजेक्शन क्वेश्चन है वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, आपके पर्सनल से, रियल से या फिर नॉमिनल से। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को आपको देख के ये तो समझ में आएगा कि ये रियल अकाउंट का क्वेश्चन था। इट मीन्स कि इसके जो ट्रांजैक्शन एंट्री होगी वो रियल अकाउंट की होगी, यानी कि इससे जो रूल फॉलो होगा रियल अकाउंट। फ्रेंड धीरे धीरे हम ऐसे भी क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे जिसमें रियल परचेज, रियल पर्सनल, पर्सनल नॉमिनल, रियल नॉमिनल, नॉमिनल पर्सनल, नॉमिनल रियल, इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स वो आगे चल के जर्नल एंट्री में बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन जैसा स्टेटमेंट हो वैसा ही हमें उसके नेचर को फाइंड आउट करना है और उसी के बेसिस पे हमको रूल को सेट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात पे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कभी भी आप लोग जर्नल एंट्रीज में यानी कि अकाउंटेंसी में कभी आप गड़बड़ नहीं करेंगे, कभी आपसे चूक या गलती नहीं होगा। बस यही बारीक सी चीजें होती है जो आपको समझना होता है, और ये अगर आपने समझ गया फ्रेंड्स तो आप कहीं भी काम करेंगे, किसी भी जगह, किसी भी ऑफिस में या अपने खुद के बिजनेस में भी काम करें, आपके अकाउंटेंसी में गड़बड़ होने का कोई भी सवाल नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई आपके रियल अकाउंट की, जहां आपने ये जाना कि जो हमारा रियल अकाउंट है वो हमसे क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, और इससे एग्जाम्पल क्वेश्चन आपने देख के समझ लिया कि कैसे हमको क्वेश्चंस को, कैसे हमको एंट्री को बनाना है। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स आपके रियल अकाउंट की। आई होप आपको रियल अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसमें अगर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसे अपने हर एक वीडियो के थ्रू आपके उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एक बात और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जो भी वीडियोस हैं हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप और अपने साथ साथ दूसरों के भी नॉलेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इनके अगर इनके साथ हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप ऑफलाइन आकर हमारे जो बाइंडर टेक का जो हमारा इंस्टीट्यूट है, बाइंडर टेक टेक्नोलॉजीज, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट अगर आप ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाइंडर ट्यूब प्रयागराज के नाम से हमारा जो है एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे सिंपली आपको जो है करना है क्या है, जाके डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको वहाँ पर रजिस्टर होना है, और रजिस्टर होने के बाद आप वहाँ से जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर आपको ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आकर विजिट कर सकते हैं। बाइनरी टेक्नोलॉजी के नाम से हमारा ये इंस्टीट्यूट है, और ये हमारे प्रयागराज रामबाग में चंद्रा इंस्टीट्यूट के
साथ में मिलेगा जो कि सुंदरम टावर के बगल में है। ओके फ्रेंड्स, हमारा इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, बाइनरी टेक टेक्नोलॉजीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो बात होगी फ्रेंड्स आपके रियल अकाउंट की। आई होप कि रियल अकाउंट का जो भी आपका कॉन्सेप्ट था वो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसी के साथ एक दो क्वेश्चंस पे और हम थोड़ा सा जो है रोशनी डालते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो भी थोड़ा सा और है, जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई हमारे एक सिंपल एग्जांपल की। सपोज दैट अगर आपके सामने एक बात और मैं बताना चाहूंगी रियल अकाउंट के बारे में, जो आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट की एक खास बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि सिंपल आपने परचेज और सेल समझा, अगर अगर सपोज दैट फ्रेंड्स रियल और परचेज सॉरी परचेज और सेल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसी को हम उलट दें तब क्या होगा। उलट देना मतलब फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, कुछ कमी आ गई है, जिसके वजह से आप उसे नहीं रख सकते हैं, आपको रिटर्न करना पड़ता है। जब रिटर्न करते हो तो वो सिचुएशन आपके लिए क्या कहलाती है, परचेज रिटर्न की सिचुएशन कहलाती है। और ठीक उसी के अपोजिट होता है आपका सेल, यानी कि जब चीज आपको चीज बेचते हो तो सेल कहलाते हैं। लेकिन इन केस आपका जो कस्टमर है उसने किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट के कारण आपका बेचा हुआ माल आपको वापस करता है, तब उसे हम सेल रिटर्न के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम बात करें परचेज की, सेल्स की और साथ ही परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड ये आपको मिलेगा, सेल्स हमेशा आपको ये क्रेडिट साइड मिलेगा। लेकिन जब हम परचेज रिटर्न की बात करते हैं फ्रेंड, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाता है हमारा, क्रेडिट साइड आ जाता है। और जो हमारा सेल रिटर्न है वो ठीक इसी के ऑपोजिट, वो डेबिट साइड चला जाता है। फ्रेंड, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये चार बातों का ख्याल रखना। फ्रेंड्स, ये जो परचेज और सेल है ये आपके रियल अकाउंट के एग्जांपल्स है, और रियल अकाउंट के ये जो एग्जांपल्स है ये बहुत ज्यादा आपकी ट्रांजेक्शन्स में यूज होते हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आपके जो होते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे होते हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें परचेज और सेल्स होना मैंडेटरी होता है। और ऐसा सिचुएशन है फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हमारा जो परचेज और सेल है वो उनका पोजीशन क्या होगा। अब इसको समझते हैं, हमने कोई सामान जब परचेज किया तो हमारे पास वो आया, इसलिए वो डेबिट साइड हो गया। हमने जब कोई सामान बेचा तो यानी कि हमारे पास से सामान गया, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, जब हमने खरीदा हुआ माल अपने जिस दुकानदार से हम खरीद के माल लेकर आए हैं, परंतु उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से हम वो माल अपने दुकानदार को वापस कर रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा परचेज है वो परचेज ना होकर के परचेज रिटर्न कहलाएगा और वो आपके चला जाएगा क्रेडिट साइड में, यानी कि परचेज के जस्ट ऑपोजिट। ठीक, बात करते हैं सेल्स की। फ्रेंड्स, जब सेल्स, अगर आप बेचा हुआ माल जो आपका कस्टमर है वो आपसे माल खरीद के ले जाता है, यानी कि आप अपने कस्टमर को माल बेचते हो और उस माल में कोई गड़बड़ी आती है, कोई खराबी आती है, तो आपका जो कस्टमर है वो आपको माल वापस करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, वो डेबिट साइड आ जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको रियल अकाउंट का रूल पता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा रूल है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिससे कि आप लोग कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस चीज को जब तक आप ध्यान में रखोगे, आपका 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, कभी भी आप लोग की एंट्रीज गड़बड़ नहीं होगी, ना ही गलत होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो रहा आपका जो है रियल अकाउंट। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को
रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। और दूसरी एक और बात है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोग को यहाँ पे फिर से क्लियर करना चाहूंगी, इन केस फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एंट्री बनाते हैं तो उसमें जब परचेज हो चाहे सेल हो, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स जिसमें आपका परचेज गुड्स है या सेल्स गुड्स है, तो वहां पर जो एंट्री होगी वहां पे आप लोग को गुड्स मेंशन नहीं करना बल्कि परचेज या सेल्स को मेंशन करना होता है। ठीक है, सोल्ड गुड्स हुआ तो वहां पे सेल्स मेंशन करना है, परचेज गुड्स हुआ तो वहां पे आपको परचेज मेंशन करना है। ठीक है, जैसा कि उनका नेचर होगा वैसे ही हमको रूल के साथ उनको सेट करना होगा। लेकिन इनकेस अगर फ्रेंड्स अगर आपसे ये कहा जाए परचेज मोटर बाइक या सोल्ड मोटर बाइक, तो वहां पर हमें गुड्स का नाम ना दे करके हमें हमें वहां पे सोल्ड या सॉरी सेल या परचेज ना दे करके वहां पे हमें जो है उस गुड्स का नाम मेंशन करना होगा हमारे उस एंट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को हमेशा खास तौर से ध्यान में रखिएगा और ऐसा करने से आपकी एंट्री क्या होगी, कभी भी गलत कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आज का आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और जिससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं कोई भी कंफ्यूजन है तो उसे प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ साथ दूसरों के भी नॉलेज बढ़ाने में आप जो है हेल्प करिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।